नमस्कार, स्वागत आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हिमाचल प्रदेश में आज मैं एक सीरियस इशू पे बात करने वाला हूं और आप सभी के सहयोग की भी कामना करता हूं। हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है और सरकार द्वारा इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण हमारा ये कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि गाय हमारे लिए पूजनीय है, गाय को हम माता मानते हैं और गाय में जो है वो लंपी वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, इस कारण उनकी काफ़ी ज़्यादा मौतें हो रही है। इस वजह से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस पर जो है वो आगे आकर बोलें और इस मुद्दे को जो है वो उठाएँ और आप सभी का भी सहयोग चाहिए। सबसे पहले जो यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूँ, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के थ्रू ये रिपोर्ट पेश की गई है, हिमाचल प्रदेश की है, जिसमें आपको जो है वो पूरा डाटा मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट्स के बेसिस पे हम बात करेंगे, किसी भी तरह की घुमा फिरा के यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश में अभी जो करंट में अगर हम बात करें तो टोटल केसेस 72,326 केसेस हो चुके हैं, जिससे जो है वो एनिमल सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा डेथ की अगर हम बात करें तो 3,404 जो एनिमल्स हैं वो डेड हो चुके हैं इस लंपी वायरस के कारण, लंपी स्किन वायरस जो हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सरकार द्वारा क्या है, सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, पशुपालन विभाग द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है कि जहां पर भी ये जो है वो वायरस फैल रहा है उसको एक जोन बनाया जाए और वहां पर जो है वैक्सीनेशन का कार्य किया जाए। पर वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो अगर कहीं घर में कोई पशु है वहाँ तो वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, परंतु आप अगर हिमाचल प्रदेश में देखोगे और हर एक जगह पर अगर आप देखोगे तो आपको जो है वो आवारा पशु देखने को मिल जाएंगे, जिनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैल रहा है। अब कहीं ना कहीं ये उन लोगों की भी गलती है जो पशुओं को आवारा छोड़ते हैं, जो गाय माता को आवारा छोड़ते हैं, जब तक उनसे दूध मिलता है तब तक उन्हें पालते हैं, उसके बाद उन्हें जो है आवारा छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। परंतु सरकार को जो है वो इस समय ये सोचने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं अगर ये एनिमल्स जो है वो इसके कारण सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है वो विशेष ध्यान दिया जाए, जो आवारा पशु हैं और साथ में जो यहाँ पर लोगों के पास है पशु, उनके लिए भी जो है वो कुछ अलग लेवल पर जो है वो किया जाए। सरकार द्वारा जो है इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक चुनावी मुद्दा भी नहीं है। सच्चाई ये भी है कि एक चुनावी मुद्दा नहीं है, तो सरकार इस पर जो है वो ध्यान क्यों दें, जो ये पशु हैं वो वोटर्स नहीं हैं तो सरकार इन पर ध्यान क्यों दें, ये भी यहाँ पर जो है वो एक सवाल पैदा ज़रूर करता है। अगर यहाँ पर हम हर दिन बात करें तो काफ़ी ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा केसेज अगर हम 38,699 एक्टिव केसेज की बात करें तो ये सिर्फ 9 ज़िलों में है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 12 ज़िलों में से जो है वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय हालत 9 ज़िलों की है। बाकी चंबा के साथ जो अन्य 2 ज़िले हैं उनमें इतने ज़्यादा जो है वो केसेज देखने को नहीं मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो है वैक्सीनेशन का कार्य जो सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि वो किया जा रहा है और 188,634 एनिमल्स वैक्सीनेटेड किए गए हैं और जो है वो 30,322 एनिमल्स इससे जो है वो क्योर किए गए हैं इन्फेक्शन के कारण, परंतु मौतें काफ़ी ज़्यादा, देखिए जो यहाँ पे क्योर किए गए हैं 3,322 है ना, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे एक्टिव केसेस अभी हिमाचल प्रदेश में है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप लोगों से भी एक गुजारिश है, आप भी जो ज़्यादा से ज़्यादा एक हैशटैग ज़रूर यूज़ कीजिए, जिसमें हम जो है वो जो ये एनिमल्स हैं इनके लिए आवाज़ उठा सकें। सरकार जो है वो जैसे यहाँ पे कोविड आया हुआ था उस लेवल पे जो तैयारियाँ की गई थी उसी लेवल पे जो है वो इन पशुओं के लिए भी तैयारियाँ की जाएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली खबर में, अगली वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।